नमस्कार, आइए एक कविता सुनाते हैं। लोकतंत्र में चुनकर आने वाला बादशाह बनकर रहता है, हालांकि 5 साल पर इम्तिहान देता है। खुद ही तो चुना है, फिर क्यों इतना बेकरार होता है। चुनाव आने वाला है, जो भी चुना जाएगा उसे भी कोई न कोई गरियाएगा। कोई जाप करेगा, कोई तानाशाह कहेगा, अपना तो हाल अब भी वही है। जिस पार्टी का झंडा लेकर जिस नेता के पीछे चले थे, उसने बस यह काम किया, एक मौका मिलते ही अच्छा सौदा कर लिया। जिसे हमने वोट दिया था वह पार्टी भी अब नहीं रही। अभी अभी एकदम नए नेता मार्केट में आए हैं, हर तरह का डर दिखाता है, मोटा असामी लगता है, खूब खाता और खिलाता है, धर्म जाति वाला इमोशनल कार्ड भी रखता है, जयकारा लग रहा है, नेता आगे बढ़ रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं है। नेताजी की संपत्ति चौतरफा बढ़ रही है, आँख मूंद कर जनता जिंदाबाद कह रही है। नेता अपना बड़ा शातिर है, पूरी भीड़ में उसके घर का कोई नहीं है, पूरे भीड़ में उसके घर का कोई नहीं है, बेटा बेटी विदेश में हैं, इसी चंदे से पल रहे हैं, युवा महीनों से आंदोलित हैं, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, बच्चों के भी बड़े मज़े हैं, डंडा लेकर निकल पड़े हैं, किसी भी चौक चौराहे पर जितने चाहे पत्थर मारो, जिसको चाहो गाली दो, न पढ़ना है न लिखना है, सही गलत कौन समझे, हम तो नेताजी की फौज हैं, अक्ल भला लगाएं क्यों, हाथ में अपने लठ है, जहां कहो गाड़ दें, झंडा अपना टांग दें। तभी एक बेअक्ल ने सवाल पूछा, शायद कुछ पढ़ता लिखता है, रैली का नहीं हिस्सा है, जब इतना जन समर्थन है, लोकतंत्र है भाई, चुनाव होने वाला है, फिर इस बंद की क्या ज़रूरत है, चुनाव लड़िए, सरकार बदलिए, एक नया विधान आप भी गढ़िए, बस इतना सा काम करिए, बच्चों से स्कूल किताब मत छीनिए। जो सरकार चल रही है वह भी चुनकर आई है, देश अपना है, संविधान अपना है, अब वहाँ अंग्रेज सरकार नहीं है। हम तब गुलाम थे, बाहर उनको करके ही अपना देश गढ़ना था, अब वह हो चुका है, हम अपनी सरकार चुनते हैं। हम इनसे भी और उनसे भी असहमत हो सकते हैं, देश अपना है, लोकतंत्र है, बस धीरज से चुनाव का इंतजार करना है, अपने एक वोट से सरकार बदलना है, जो ठीक लगे मन को भाए उसको चुनना है, बेकार परेशान क्यों होना है, देश है अपना है, लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, हम ही वोटर हैं, हम ही सरकार हैं, थोड़ा सा धीरज रखना है, इंतज़ार करना है। नमस्कार।